हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राजशेख। तो अगर मैं आपसे बोलू कि एक ऐसी फिल्म जिसका बजट सिर्फ 50 लाख है लेकिन वो 100 करोड़ और 80 करोड़ की फिल्म को टक्कर दे सकती है, तो आप लोग क्या मेरी बात मानोगे? मैं जानता हूं आप लोग मेरी बात नहीं मानोगे। क्या मैं आपको ऐसा बोलूंगा कि एक ऐसी इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाली एक फिल्म जिस इंडस्ट्री को हमारे इंडिया में ही काफी लोग नहीं जानते, लेकिन हॉलीवुड में आई एक फिल्म इंसेप्शन की याद दिला दे, तो क्या आप लोग ये बात भी मेरी मानोगे? आप लोग बिल्कुल मेरी बात नहीं मानोगे। उसके अलावा एक ऐसी फिल्म जिसे देखने के बाद आप सिर्फ ये सोचो कि इसके डायरेक्टर और इसका राइटर कौन है, और आप एंड देख कर एकदम हिल से जाओ, तो आप ये भी मेरी बात नहीं मानोगे। और फाइनली जिस मूवी की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ, इस मूवी का नाम है लूसिया, जो कि रिलीज हुई थी 2013 में, और ये कनाडा सिनेमा की आई हुई एक ऐसी रोमांटिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है, जिसे देखने के बाद मैं इसके जो डायरेक्टर है, जो राइटर है मिस्टर पवन कुमार, उनकी जितनी तारीफ करूं कम। उसके अलावा जितने भी एक्टर्स, चाहे वो सतीश हो, श्रुति हो या अच्युत कुमार हो, इसके अलावा जितने भी और भी ज्यादा एक्टर्स है इसके अंदर सपोर्टिंग कास्ट में, सबका काम बहुत अच्छा लगा। और सभी ने यहाँ पर देखा जाए तो डबल रोल प्ले किए। डबल रोल मतलब एक रोल जो उनका प्रेजेंट लाइफ में, और एक रोल जो उन्होंने सपनों की दुनिया में प्ले किया। वो सपनों की दुनिया का कॉन्सेप्ट क्या है वो हम लोग उस पर बात करेंगे आगे। लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बहुत सी चीजें मैं आपसे कहना चाहूंगा। देख, पहले तो ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो साथ ही बेल आइकन है उस पर ऑल का ऑप्शन प्रेस कर दो, ताकि मेरे रोज वीडियोस मिलते रहे। उसके अलावा इस वीडियो को शेयर करो, और उसके अलावा जो सबसे मेन बात कि इस फिल्म को कहां पर देखें, तो एमएक्स प्लेयर है, प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आप लोग इसे फ्री में लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हो। चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस फिल्म में हमें नजर आते अच्युत कुमार, सतीश और श्रुति हरिहरन। इस फिल्म की जो कहानी है वो कहानी बेस्ड है सपनों की दुनिया में, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सपनों की दुनिया से ही रिलेटेड है। लेकिन इस फिल्म की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि 10 मिनट में आप लोग सोचेंगे स्टार्टिंग के कि यार चल क्या रहा है स्क्रीन पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपको सीधे शब्दों में कहानी बता दूं, कहानी है निखिल उर्फ निकी की, जो कि एक थिएटर में एज अ टॉर्च बॉय काम करते हैं, और उनको प्यार है पिज्जा शॉप में काम करने वाली एक लड़की जिसका नाम है श्वेता। लेकिन निखिल की प्रॉब्लम यह है कि वो एक इंसोम्निया नाम की एक ऐसी बीमारी से सफर कर रहे हैं। अब वो इंसोम्निया मतलब समझ लो उनको नींद ना आने की शिकायत है, उनको रातों को नींद नहीं आती। तो यही वजह से जब वो एक रात को अपने घर से बाहर निकलते तब उनको दो लड़के मिलते हैं। वो दो लड़के उनको ऐसी जगह पर लेके जाते हैं जहां पर उनको लूसिया नाम की टेबलेट्स मिलती है। अब आप समझिए कि लूसिया इस मूवी का नाम क्यों है। तो लूसिया नाम की जो टैबलेट है वो टैबलेट कुछ ऐसी है जिसे खाने के बाद इंसान ये भूल जाता है कि वो प्रेजेंट लाइफ जी रहा है या अपने सपनों की दुनिया में जी रहा है। तो बस उसके बाद ये कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं कि कैसे निखिल उर्फ निकी अपनी प्रेजेंट लाइफ भुलाकर अपने सपनों में कहीं घूम सा जाता है, और वो सपने में वो सब कुछ करता है जो अपने रियल लाइफ में नहीं कर पाता, और उसके बाद क्या कुछ कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, और क्या वाकई में निखिल उर्फ निकी अपने सपनों की दुनिया से बाहर आ पाएगा, और एंड में आपको क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा। सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी जिसका नाम है लूसिया। मैं आप लोगों को इतना बोलता हूं कि अगर आप लोग इस फिल्म को देखोगे तो आप लोग तारीफ करते करते रुकोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक्टर्स के साथ साथ जो डायरेक्टर है सभी लोगों का काम बहुत अच्छा लगता है। और ये सिर्फ 50 लाख में बनाई गई फिल्म है, लेकिन यार फिल्म को देखोगे तो कहीं से भी नहीं लगता कि ये फिल्म 50 लाख में बनाई गई है। मतलब जो डायरेक्टर की जो सोच थी, जो जिस तरह से उन्होंने क्लाइमेक्स को बताया ना, मतलब जो इंडियन ऑडियंस है वो कहीं से भी कंफ्यूज ना हो कि ये सीन कैसे हो गई, ये सीन कैसे हो गई, मतलब कहीं से भी उनको ऐसा ना लगे कि हमने कौन सी फिल्म देख ली भाई, हमारे सर के ऊपर से चले गए, ऐसा बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। इतनी ब्रिलियंट तरीके से डायरेक्शन किया गया। खैर मैं आप लोगों से इतना ही बोलूंगा कि अगर आप लोगों को डाउट है इस मूवी पे तो आप लोग खुद इस मूवी को देख सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए तारीफ नहीं कर रहा हूँ कि यार वाकई में मेरी जो ऑडियंस है वो कनाडा वाली ऑडियंस है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि कनाडा ऑडियंस की वजह से मुझे कुछ ऐसी मास्टरपीस देखने का मौका मिला जो शायद आप लोगों से मिस हो चुकी है। तो भाई पहली फुर्सत में इस तरीके की फिल्में देखो, उनको एप्रिशिएट करो, और जो इसके डायरेक्टर है, राइटर है, जो एक्टर्स है, उन लोगों को एप्रिशिएट करो, ताकि वो लोग इस तरीके की और अच्छी अच्छी फिल्में बना सके, ताकि लोगों को एंटरटेन कर सके। और जो लोग बोलते हैं कि इंसेप्शन जैसी फिल्में हमारे इंडिया में नहीं बन सकती, तो मैं उन लोगों को इतना ही कहूंगा कि वो सिर्फ बोलने की बात है। अगर जो मेकर से जो क्रिएटिव माइंड पर्सन है वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, और ये लूसिया एक एग्जाम्पल उस तरीके की क्रिएशन की, और मैं इतना ही बोल सकता हूँ। लेकिन कुल मिला के मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज में से एक है। तो आप लोग उसे जरूर देखना। बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आता है वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। दिल देन दुआ में याद रखना, मैं हूँ राशि शेख, आप सब है अरहान एंटरटेनमेंट में। दिल देन बाय।